नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अमर छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। सबसे पहले बात रायपुर की, भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। बिलासपुर और रायगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 24 और 48 घंटे के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। जशपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। बीजापुर और बस्तर के जिले भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 48 घंटे के लिए इन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगले 48 घंटे के लिए इन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश हो चुकी है और जलभराव की स्थिति भी आप देख रहे हैं। भारी बारिश को लेकर अलर्ट अब जारी किया गया है। रायपुर में बलौदाबाजार, महासमुंद, बेमेतरा, कबीरधाम, तो कई सारी जगहों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। बीजापुर और बस्तर के जिले भी भारी बारिश की संभावना इनके लिए भी जताई गई है। अगले 48 घंटे के लिए इन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी बारिश पहले से ही हो रही है हर जगह। अमूमन हम देख रहे हैं कि जलभराव की स्थिति हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, कहीं पर लोगों को बारिश से राहत मिलती नजर आ रही है तो कहीं पर हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि जलभराव की स्थिति निर्मित हो चुकी है और लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, भले ही मानसून देर से आए और दस्तक दी छत्तीसगढ़ में, अब पूरे समुचित पूरे छत्तीसगढ़ को मानसून ने कवर कर लिया है। कई स्थानों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट है वो जारी किया है। बिलासपुर और रायगढ़ में भारी से अति भारी बारिश के लिए चेतावनी मौसम विभाग जी ने जारी किया है और अगले 24 से 48 घंटे के भीतर ये असर इसका देखने को मिल सकता है। प्रदेश की अगर हम बात करें तो कोरबा, जांजगीर, जशपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार, महासमुंद, बेमेतरा, कबीरधाम जैसे इन तमाम जिलों पर भी गरज चमक के साथ साथ छींटे पड़ सकते हैं। तो इसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में जैसे ही मानसून की सक्रियता बढ़ी है, मानसून ने दस्तक दी है और लगातार बारिश भी हो रही है। मौसम बेशक खुशनुमा हो चुका है और प्रदेश के कई जिलों के जो तापमान है उसमें 10 डिग्री तक की गिरावट है दर्ज की गई है। लेकिन इस बीच बारिश के साथ मुसीबतें भी आती है। अगर बारिश हो तो ये मुसीबत बनती है और ना गिरे तो आफत भी बन सकती है। ये कहा जा सकता है कि अभी पूरे जिस तरह से ड्रेनेज को लेकर के दिक्कतें हो रही है, निचली बस्तियों में कई जगहों पर पानी भराव की स्थिति आ रही है, तो ये कहा जा सकता है कि मानसून काफी सक्रिय है और अभी फिलहाल प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट के साथ साथ बारिश भी हो रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। मॉनसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो चुका है। मॉनसून की पहली बारिश से प्रदेश के कई जिले में जोरदार बारिश हो रही है। रायपुर, दुर्ग, चिरमिरी, बलरामपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिल गए हैं तो वहीं लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। चिरमिरी में झमाझम बारिश से सड़क पर समंदर का नजारा दिख रहा है। पानी के तेज बहाव में कई बाइक बहने की भी खबर है। बलरामपुर में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पूरा नेशनल हाईवे समंदर बन चुका है। राजपुर नगर पंचायत में कई घरों, दुकानों और दफ्तरों में पानी भर गया है। बिलासपुर में हो रही झमाझम बारिश से किसान खेती किसानी में जुटने लगे हैं। शहर में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उधर गरियाबंद जिले में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जशपुर में तपकार के पास जलभराव से गाड़ियों का आवागमन बहुत वहां पर दिक्कत हो रही है। राजनांदगांव में भी भारी बारिश से मौसम सुहाना हो चुका है। बिलासपुर की बात करते हैं जहां पर नगर निगम की पोल खोली है। पहली बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोल दी है। शहर के अधिकांश हिस्सों में पानी भर चुका है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। करोड़ों खर्च के बाद भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जलभराव की समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मॉनसून तो आ चुका है, बारिश भी हो रही है, पर अब जो है जलभराव की स्थिति हर जगह हम देख रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, सड़कों पर पानी भर चुका है, दुकानों में पानी जा रहा है और लोग इससे काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर की बात करेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बस्तर दौरा था जो कि अब रद्द हो चुका है। भारी बारिश हो रही है, खराब मौसम के चलते दौरा रद्द किया गया है। बस्तर के लिए रवाना होने वाले थे सीएम जगदलपुर और सुकमा में, आज सीएम का दौरा था। अब कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़ेंगे सीएम भूपेश बघेल। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम प्रस्तावित था, जहां पर कार्यक्रम होना था, वहां पर भी भारी बारिश हुई है और बस्तर में भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी, जलभराव की स्थिति, आंधी तूफान की तस्वीरें हमने देखी। और अब जो है इसी को देखते हुए कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है मुख्यमंत्री को। वर्चुअली अब कार्यक्रम में जुड़ेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सूरजपुर से बड़ी खबर है, अनियंत्रित होकर होटल में ट्रक घुसा है। हादसे में बाल बाल बच्चे हैं होटल में, लोग हादसे में तीन बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। विश्रामपुर के सतपता की घटना है, मौके पर विश्रामपुर पुलिस पहुंची है। और ज्यादा जानकारी के लिए वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या ज्यादा जानकारी है मामले में? जी देखिए, विश्रामपुर से एक ट्रक जो है वो एफसीआई गोदाम से माल लोड करके सूरजपुर की आ रही थी, इसी दौरान सतपत्ता के पास में अनियंत्रित होकर ट्रक एक होटल में घुस गई, जहां होटल के बाहर खड़ी तीन बाइकों को भी बुरी तरह से रौंद दिया। हालांकि किसी व्यक्ति को इस चोट में नुकसान नहीं आया है और जो जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि ट्रक का स्टेयरिंग फेल हो गया था। हालांकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया है और सूचना के बाद फिलहाल विश्रामपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरू असलम को नोटिस जारी हुआ है। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा ने यह नोटिस जारी किया है। शेरू असलम से 24 घंटे के अंदर लिखित में जवाब मांगा है। किसान को धमकाने का वीडियो भी वायरल हुआ। भिलाई में एक बार फिर पीलिया ने पांव पसारना शुरू कर दिया और इस बीमारी से मरीजों के सामने आने का सिलसिला भी जारी है। अभी तो सिर्फ एक मामला आया है, पर अगर डर है कि हालात नहीं बदले तो पीलिया का बड़ा प्रकोप देखने को मिल सकता है। मुश्किल यह है कि हालात बदलते नजर नहीं आ रहे, तो चलिए देखते हैं आखिर क्या वजह है कि बार बार भिलाई में पीलिया और दूसरी बीमारियां फैलती जा रही हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से स्पेशल रिपोर्ट। आम लोगों को साफ पानी मुहैया कराने के लिए सरकारी योजनाओं की कमी नहीं, लेकिन भिलाई में इन योजनाओं का हाल ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। नगर निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 38 में पीलिया की दस्तक होने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको दिखाना चाहूंगा कि वार्ड 38 में यहां पर मैं मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से पानी भर रहे हैं, क्योंकि जो नगर निगम ने पाइपलाइन दी है वहां से पानी नहीं आ रहा है। बीएसपी प्रशासन के द्वारा जो बैकलाइन से पाइपलाइन गई है वो इतनी जर्जर हो चुकी है कि वो सीवरेज की लाइन से मिल रही है और यही वजह है कि देखिए लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और कुछ लोग की मजबूरी भी देखिए कि किस तरह से यहां से नाली से जो पाइप गया हुआ है फूटा हुआ है वहां से पानी भर रहे हैं। ऐसी एक स्थिति नहीं है, और भी कई जगह पे यही स्थिति है और यही वजह है कि आज वार्ड क्रमांक 38 में पीलिया फैला हुआ है। कमाल है कि चुनावी साल में भी नेताओं ने लोगों की इस तकलीफ को नजरअंदाज कर रखा है। ना सरकारी विभागों को परवाह है, ना जन प्रतिनिधियों की नजर ए इनायत हो रही है। गंदा पानी लोगों को बीमार कर रहा है। भिलाई के खुर्सीपारा के वार्ड 38 में पीलिया ने भी दस्तक दे दी है। अभी करीब 6 लोग पीलिया की चपेट में हैं और ये आंकड़ा बढ़ने की पूरी आशंका है। यहाँ के जो विधायक हैं, महापौर हैं, वो विकास कार्यों का ढोल पीट रहे हैं, पर वास्तविकता जो है वो यहाँ जमीन पर आकर आपको देखने के लिए मिलेगी कि किस तरीके से लोग पानी भर रहे हैं। लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, छोटे छोटे बच्चों को पीलिया हो गया है और इस सारे का जवाबदार जो है वो प्रशासन है और यहाँ बैठे हुए जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जो पद पर बैठे हैं वो लोग हैं।
ये इलाका भिलाई विधानसभा में आता है और यहाँ भिलाई स्टील प्लांट के क्वार्टर भी बने हैं, लेकिन पानी की सप्लाई और पाइपलाइन का रखरखाव इतना खराब है कि सीवेज का पानी पाइपलाइन में मिल जाता है। ये गंदा पानी लोगों को बीमारी बांट रहा है और लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। कितना भय रहता है आप लोग यहाँ गंदा पानी पीते हैं? बहुत भय रहता है, डर लगता है कि बच्चे लोग पीते हैं वही पानी, हम लोग पीते हैं वही डर लगा रहता है कि कुछ मच हो जाए कुछ मच हो जाए ऐसे। अच्छा, नगर निगम ने तो पाइपलाइन लगाई है, पानी नहीं आता है वहाँ पे? नहीं नहीं आता है पानी। अच्छा, तो किससे भरते हैं पानी आप? हम लोग तो यहीं से भरते हैं भैया, बीएसपी नल से। अच्छा है तो फिर नहीं आता इस नल से भरते हैं। नगर निगम का तो कोई काम का नहीं, कोई कोई लगाए हूँ कोई मतलब का नहीं। पानी आता है थोड़ा सा आता है, 5 मिनट देता है बंद हो जाता है, वो पीने का पानी भी ढंग से नहीं भर पाते हम लोग। पानी संक्रमित है, लोग बीमार हो रहे हैं, हर माँ बाप चिंता में जी रहा है, डर है कि कहीं उनके बच्चों को पीलिया जैसी बीमारी ना हो जाए। नगर निगम का ये दायित्व बनता है कि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए, लेकिन आज नगर निगम अपने ही लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है और यही वजह है कि आज जो है यहाँ के लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। करीब 6 लोग पीले की चपेट में आ गए हैं, 2 लोगों की और पीलिया हो सकता है जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जब भिलाई में डेंगू, जब भिलाई में डायरिया और अब पीलिया लगातार पांव पसार रहा है, ऐसे में निगम प्रशासन किस तरह का कार्य करता है। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, चुनाव आते हैं तो लोक लुभावन वादे किए जाते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये काम होगा, आपके लिए सड़क की सुविधा होगी, बिजली की होगी, पानी की होगी, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। वोट मिलने के बाद नेताओं को ध्यान नहीं रहता कि क्या मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, ग्रामीणों को क्या क्या होना चाहिए। तो ऐसे ही बीमारी लगातार फैल रही है और लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। देखिए, यदि पूरी बातों में, पूरी क्षेत्र में यदि गौर करने वाली बात यह है कि ये समस्या आज से नहीं है बल्कि कई वर्षों से है, जिसमें प्रशासन जानते बूझते भी अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। और जब इस तरह की स्थिति जब निर्मित होती है तब फिर से यही कहा जाता है कि हम प्रयास कर रहे हैं और स्थिति को ठीक करने का प्रयास किया जाएगा, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वास्तविकता क्या होती है वो आज हमको देखने के लिए मिल रही है। मैं थोड़ा सा सभी को बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो क्षेत्र है ये नगर निगम का क्षेत्र है और जो क्वार्टर बने हैं वो भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा बनाए गए क्वार्टर है, जिसकी जिम्मेदारी, जिसकी देखरेख का जो जिम्मा है वो भिलाई स्टील प्लांट को है। वहां पर सफाई की जो व्यवस्था है, लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं देने की जो जिम्मेदारी है वो नगर निगम की है। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां एक दूसरे पर मरते हैं। भिलाई स्टील प्लांट का ये कहना है कि जो क्वार्टर कंडम हो गए वहां पर अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, इसलिए वे वहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराना चाहते हैं। वहीं नगर निगम का ये कहना है कि बीएसपी का क्षेत्र होने की वजह से वहां पर उसका जो दायित्व है वो बीएसपी का है, भिलाई स्टील प्लांट का है। ऐसे में दो पार्टियों के बीच में यहां के क्षेत्र की जनता पिस रही है और यही वजह है कि वर्षों से यही हालात बने हुए हैं। ये सिर्फ एक जगह के हालात नहीं है बल्कि ऐसे भिलाई में और भी कई क्षेत्र हैं जहां ठीक इसी तरह के हालात हैं। यदि जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से जिस तरह से पहले डायरिया फैला था, अभी पीलिया की बात आ गई, इसके पहले कुछ समय पहले यदि 4 साल पहले की बात किया जाए तो इसी क्षेत्र था, ये वही क्षेत्र था जहां पर डेंगू फैला था, जहां 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी। आज स्थिति वही है। देखिए, अभी बारिश का मौसम फिर आ गया है, अब डेंगू भी सकता है क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं। फिर वही बात होगी कि निगम प्रशासन और भिलाई स्टील प्लांट दोनों आमने सामने होते हैं, जबकि लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने का जो जिम्मा है वो चाहे कोई भी हो, बिजली, सड़क, पानी, ये जो मूलभूत चीजें हैं जिसको सभी को मुहैया कराना चाहिए, उसी में ही खिलवाड़ किया जा रहा है। और यही मुद्दे होते हैं जब चुनाव आते हैं और सभी यही दावे करते हैं कि ये लोगों की मूलभूत सुविधाएं वो तो उपलब्ध करवाई ही जाएंगी, इसके साथ साथ जो अन्य सुविधाएं हैं, लेकिन अन्य सुविधाएं मिले ना मिले लेकिन लोगों को मूलभूत सुविधा, खास तौर पर पानी की बात किया जाता है तो पानी तो स्वच्छ मिलना चाहिए, लेकिन हमने एक दिन पहले ही वहां पर विजिट किया है और स्थिति बेहद विकराल है और अब फिर से बारिश हो गई है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह से जो दम भरते थे कि सफाई करवाने, अब वहां पर व्यवस्था कैसे होगी, कैसे सफाई होगी, क्योंकि घुटनों घुटनों तक वहां पर। शुक्रिया मिथिलेश। कोरबा में एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। घर से पूजा के लिए फूल तोड़ने बाइक से निकले युवक के ऊपर हाई टेंशन तार गिर गया। बाइक पर हाई टेंशन तार गिरने से बाइक में आग लग गई। आग के चपेट में बाइक पर बैठा युवक भी आ गया, जिससे बाइक सवार युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई। करतला थाना क्षेत्र के सेंद्री पाली की घटना से हर कोई दर्द में है। युवक की मौत के बाद उसके घर में मातम पसरा हुआ है। बिजली विभाग की लापरवाही से युवक की जान चली गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
बिलासपुर में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बेखौफ बदमाशों ने होटल मालिक की जमकर पिटाई कर दी और होटल में तोड़फोड़ भी की। होटल मालिक की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने होटल में शराब पीने से मना किया था, जिसके बाद बदमाशों ने होटल मालिक की जमकर पिटाई कर दी। बदमाश बेखौफ होकर होटल में तोड़फोड़ कर रहे थे और लोग तमाशबीन बने हुए थे। बिलासपुर में सरेआम हुई गुंडागर्दी का वीडियो भी सामने आया। होटल संचालक के साथ हुई मारपीट के तारबहार के इलाके में व्यापारियों में दहशत है। व्यापारियों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पुलिस से की है। और आइए अब देखेंगे सिटी टॉप 20।